अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात को नहीं छोड़ते, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मां गंगा हमारी पूजा का, हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति की स्थान है। एक पानी का जहाज चला करके, विलासता का जहाज चला करके न जाने क्या सपने दिखा रही है सरकार। और जिस मां गंगा को साफ हो जाना चाहिए था, मां गंगा वैसी की वैसी है, नदी साफ नहीं है, नदी को साफ नहीं कर पाए। मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया था कि यहां पर किसानों के खेत तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए। वो जो इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की, मैं आपको बधाई देता हूं और जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रदेश से शुरू हुई योजना जहां पर खेत को पानी, घर में पानी का इंतजाम किया, वही तो भारत सरकार नकल कर रही है। जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं ना कहीं आपकी देन है। जिस सरकार ने एक उदाहरण पेश किया हो, और न केवल इरिगेशन में और भी क्षेत्रों में, मैं ऐसे सरकार के लोगों को बधाई देता हूं, खासकर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।